बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से बड़ी खबर। किसान आंदोलन के मुद्दे पर हंगामे के बाद लगातार तीसरी बार राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों पर बहस की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। विपक्ष आज ही प्रस्ताव पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सभापति ने इसे खारिज कर दिया है। हंगामे की वजह से राज्यसभा पहले 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, उसके बाद दूसरी बार 11:30 बजे तक के लिए, और अब तीसरी बार जब 11:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में आ गया, जिसके बाद उपसभापति ने कार्रवाई को एक बार फिर से 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। किसान मुद्दे के बहाने विपक्ष ने सदन को ना चलने देने की रणनीति बना रखी है, जबकि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, लेकिन इस सबके बीच जारी है विपक्ष का हंगामा किसानों के मुद्दे पर। वेल में है, एडजर्न टिल 12:30 PM। सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि संसद प्रतिनिधियों का केंद्र है। अगर संसद जन सरोकार के मुद्दों पर, जहां एक तरफ सर्द पूस की रातों में लोग परेशान हो रहे, संसद कम से कम चर्चा करे। देखो, हंगामा हुआ है उसमें आश्चर्य की क्या बात है। किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। तो हंगामे का शौक नहीं है, लेकिन हंगामा और चर्चा किसान के मुद्दे पर नहीं होगी तो किस बात पर होगी? संजय राव की तरफ से कहा गया, 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर दीपक बिज, सिंघू बॉर्डर पर अनुराग ढांडा और दिल्ली के विजय चौक से अरुण सिंह। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए बताइए जरा, जब दूसरी बार 11:30 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो हुआ क्या संसद के भीतर? देखिए, जैसा कि विपक्ष ने रणनीति बनाई और यह संयुक्त रणनीति है कि राज्यसभा को चलने नहीं दिया जाएगा, लोकसभा को चलने नहीं दिया जाएगा, और सरकार से सिर्फ एक ही सवाल किया जाएगा कि तीनों जो कृषि कानून हैं उनको वो कब रद्द ले रहे कर रही है, कब वापस ले रही है। और इसको लेकर के एकदम आप साफ संकेत देख लीजिए, संजय राउत की जो बाइट है वो कह रहे हैं अगर हंगामा नहीं होगा तो क्या होगा। यानी विपक्षी दल पूरी तरह से तैयार हैं कि इस पूरे हफ्ते सदन को नहीं चलने देना है। सभापति की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप जो अपनी सारी बातें आज यहाँ कहना चाहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आपको मौका मिलेगा और आप कृषि कानूनों से लेकर के किसान आंदोलन तक सब पर बात करिए। लेकिन विपक्ष ये जानता है कि अगर सदन चलने लगा सुचारू रूप से तो सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, और इसलिए विपक्ष की संयुक्त रणनीति है, वो जैसे ही सदन शुरू होता है वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, और किसानों का हितैषी खुद को दिखाने के लिए, किसानों के समर्थन में खुद को दिखाने के लिए, किसान आंदोलन के साथ खड़े होते हुए दिखने के लिए वो वेल में आते हैं और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये सीन पहला नहीं है। इस पूरे हफ्ते विपक्ष की रणनीति ये है कि वो सदन नहीं चलने देगी। सरकार अगर उन तक रीच आउट करती है तो क्या बीच का रास्ता निकलता है एकदम दीगर बात है, अलग बात है, अलहदा बात है, लेकिन विपक्ष सदन नहीं चलने देगा और 12:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही को एक बार फिर भारी हंगामे के बीच स्थगित करना पड़ा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर चर्चा होनी चाहिए पहले। कार्यस्थगन प्रस्ताव तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है जो विपक्ष की हैं, और वो चाहते हैं कि सारा कामकाज रोक करके किसान आंदोलन और 3 कृषि कानूनों पर चर्चा करवाई जाए। यानी विपक्ष की मंशा साफ, सरकार क्या करेगी इस पर लौटेंगे आपके पास अरुण। लेकिन ये भी बता दें, किसानों की अड़ियल रुक, और अब शनिवार को चक्का जाम का ऐलान करने के बाद सुरक्षा बल भी इन लोगों से कड़ाई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है, खासतौर पर दिल्ली से टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर को बैरिकेड के साथ सील कर दिया गया है और कांटों की तारें लगा दी गई हैं, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात है। इसके अलावा किसानों के ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में घुसकर हंगामा ना करें, इसलिए सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं ताकि अगर ट्रैक्टर घुसने की कोशिश करें तो वो पंचर हो जाएं। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर से किसान दिल्ली की तरफ ना जाएं इसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर चाक चौबंद की है। आप देख सकते हैं इतने बड़े जो कटीले तार हैं बैरिकेड्स के ऊपर रखे गए हैं, उसके पार जवान हैं और कई लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन सबसे अहम है वो चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो कीलें आप देख सकते हैं, ये कीलें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा ताकि यहां से अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ जाए तो इन कीलों को देखते हुए
वो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि ये अगर ट्रैक्टर पार करेगा तो उसके ट्रैक्टर जो है वो पंक्चर हो जाएंगे। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ये सुरक्षा लेयर इतनी बढ़ाई हुई है कि चारों तरफ यहाँ पर दूर तक कोई नहीं जा सकता, और यही वजह है कि सारे जो किसान हैं वो दूर रखें। साथ ही ऊपर भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की है, क्योंकि पुलिस को ये अंदेशा था कि 26 जनवरी को जिस तरह से हालात हुए उसके बाद हालात ना खराब हो, और इसको लेकर जो किसान हैं वो यहाँ पर रुके गए हैं और यहाँ से दूसरी तरफ सारा किसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि पुलिस की तरफ से ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। साथ ही जो गाजियाबाद या यूपी से आने वाले लोग हैं वो इस रूट से ना जाएं, इसको लेकर यहाँ पर ये पूरी तरह से बैरिकेड्स किया गया है। जो रूट्स खोले गए हैं उनमें आनंद विहार है या फिर दूसरे रूट से लोगों को आने जाने के लिए कहा गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। अनुराग, दिल्ली पुलिस की तैयारी के एक बार फिर से संकेत कि जो स्थिति 26 जनवरी के दौरान बनी, एक बार फिर से स्थिति बिगड़ सकती है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि अब स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि किसानों ने ऐसा कोई कॉल नहीं दिया है। पहले किसानों ने कहा था कि वो दिल्ली में जाएंगे और दिल्ली में जाकर के प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई कॉल नहीं है। अभी जो 6 तारीख को जो 12 से 3 सांकेतिक बंद की ऐलान किया गया है वो ऑल इंडिया लेवल पर है, और वो इक्का दुक्का जगह जगह पर सड़कों को रोक करके सांकेतिक रूप से अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने की कोशिश होगी। तो पुलिस की तैयारी मुकम्मल है हालांकि तमाम जगह पर, क्योंकि पार्लियामेंट इस वक्त चल रही है, और 1 फरवरी को पहले एक कॉल दिया था किसानों ने कि संसद मार्च करेंगे, हालांकि उसको बाद में रद्द कर दिया गया माहौल को देखते हुए किसानों की तरफ से, लेकिन ऐसी कोई दोबारा कोशिश ना हो इसलिए पुलिस की तैयारी मुकम्मल की गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पुलिस ने एक तरीके से सतर्कता बरतते हुए उस पूरे इलाके में टीकरी बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं बंद कर रखी हैं। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ वो भी करीब करीब 8 से 10 किलोमीटर दूर है सिंघू बॉर्डर से वो जगह, और यहाँ इसलिए क्योंकि वहाँ पर अगर जाते हैं तो वहाँ इंटरनेट बंद हो जाता है और हम आपको लाइव कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। तो इसी तरीके से किसान भी कोई मैसेज कोई वीडियो स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से, जिससे कि स्थिति वॉलेटाइल हो, और ये जो सेफ्टी है ये पुलिस ने वहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ बंद करके वहाँ पर रखी हुई है। जी ठीक है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों ने शनिवार को चक्का जाम का ऐलान किया है।